एक चीज याद रखना, जिसे हमने बनाया वही चीज हमको बर्बाद करने की भी ताकत रखती है। जिसका आपने बहुत ज्यादा नाम सुन रखा होगा पिछले साल भर के अंदर में, फिर चाहे चैट जीपीटी हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, इनका आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। तो यही चीजें हमको बर्बाद करेंगी। जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड इंडस्ट्री होगी वो होगी फिल्म इंडस्ट्री। लाइक अभी आपने देखा भी होगा कि रवीश जी के ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल पे तो उन्होंने दिखाया था कि कैसे न्यूयॉर्क में लोग लगभग एक महीने से ऊपर से भी स्ट्राइक पर है, हॉलीवुड में जो काम करते हैं। एक महीने से ज्यादा समय से हॉलीवुड में हड़ताल, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के आने के बाद जिस तरह से तबाही आने वाली है, हम भारत में कितने बेखबर हैं। तो ये कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा AI, ये आपको समझने की जरूरत है। देखो, AI को हमने ही क्रिएट किया है, फिर चाहे किसी भी तरीके का कंप्यूटर को हमने बनाया, सब कुछ ये चीजें तब तक हार्म नहीं कर सकती जब तक ये अपने दिमाग से ना सोचने लगे। जिस दिन ये चीजें अपने दिमाग से सोचने लगेंगी, उस दिन ये समझना कि हमारा अंत है। इसे आपने देखा होगा बहुत सारी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में कि रोबोट को डिजाइन करा और रोबोट अपने हिसाब से सोचने लगा। अब उसका माइंडसेट इतना ज्यादा तेज है कि वो बच्चे कैसे पैदा करना है वो भी सोचने लगा। सोचो कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अगर ऐसा ही करने लगे तो उस दिन ह्यूमंस का क्या होगा। बट थैंक गॉड कि अभी AI इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं हुई है कि वो खुद से सोचने समझने लगे। जिस दिन ये होगा, यकीन मानो उस दिन हमारा खात्मा अवश्य होगा। इसलिए AI जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ रही है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही इस वीडियो का मकसद है, ताकि आप उस चीज को समझें कि AI क्या क्या इम्पैक्ट डालने वाली है आने वाले समय में। अभी के टाइम में AI से अगर आप कुछ भी करवाना चाहो बगैर आपके कमांड दिए, वो कुछ भी नहीं करने वाला। आप जो भी उसको कमांड दोगे वही वो प्रोसेस करके डिजाइन या वो बनाएगा। AI है तो बहुत तेज, जैसे ChatGPT, आने वाले समय में AI इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, बहुत से लोगों की जॉब वगैरह जाएंगी। आपने देखा होगा पिछले एक साल के अंदर में आपको बहुत से AI जनरेटेड कैरेक्टर्स वगैरह YouTube पर शॉर्ट्स में या रील्स में देखने को मिल रहे होंगे, और इसको पहचान पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, जो टेक्नोलॉजी से अवेयर होते हैं उनको तो बड़े आसानी से पता चल जाएगा ये AI से जनरेटेड है। देखो, AI क्या कर सकता है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। हालांकि देखो, जब AI नहीं था उस टाइम पे भी ह्यूमन ब्रेन क्या क्या चीज सोच सकता है आपको हॉलीवुड की फिल्मों में जरूर देखने को मिल जाएगी। आई थिंक 90s के दशक की जो फिल्में थी, लाइक हॉलीवुड बनी थी टर्मिनेटर वगैरह, उस टाइम पे 20-25-30 साल हो गए आज भी, और कितना ज्यादा उस समय उनका माइंड जो कि फ्यूचरिस्टिक था उससे आप इस बात का अंदाज लगा सकते हो। आज के भी टाइम में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स या बहुत सारी ऐसी चीज होंगी जिनका हमको अवेयर नहीं है, अब वो छुपी होंगी, आने वाले समय में हो सकता है वो हमको नजर आने लगे। आज इंसान चांद से लेके मार्स तक जाने की तैयारी में है, तो ये समझ लो कि आने वाला जो निकट भविष्य है वो AI इनेबल्ड होने वाला है। इसलिए इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आप AI के बारे में अवेयरनेस जगाओ। अब तो बहुत सारे AI के कोर्स वगैरह मिल रहे हैं, आप YouTube पर चेक कर लेना, आपको बहुत कोर्स फ्री मिल जाएंगे, कुछ पेड है। तो ये सिर्फ यही बताने के लिए वीडियो का मकसद है कि आपको AI को लेकर सोचने की जरूरत है, चिंता करने के विषय है। बाकी आपको क्या लगता है अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।